बसपा प्रमुख मायावती ने बुधवार को भाजपा पर पिछड़े वर्ग के वोट बांटने के लिए विभिन्न बिरादरियों के छोटे छोटे संगठन बनवाने का आरोप लगाते हुए कहा कि इसके लिए भगवा दल ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के घर में भी डकैती डाल दी है। आजमगढ़ में मायावती ने रैली में कहा कि बौखलाई भाजपा ने अति पिछड़ी जातियों के कुछ स्वार्थी लोगों को पकड़ लिया है और पिछड़े वर्ग का वोट बांटने के लिए उनकी पार्टियां बनवा दी हैं। अब जब लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होता है तो भाजपा उनमें से कुछ पार्टियों को पैसा देकर बैठा देती है या फिर एक दो सीट दे देती है और उसकी आड़ में उनके समाज का वोट लेती है। उन्होंने कहा, अब तो भाजपा ने अखिलेश यादव के घर में भी डकैती डाल दी है। उनके चाचा शिवपाल यादव को तोड़कर उनकी अलग पार्टी बनवाई। जहां जहां भाजपा के उम्मीदवार खड़े होंगे वहां सपा के वोट कटने के लिए शिवपाल के उम्मीदवार खड़े कराए। उत्तर प्रदेश में जितनी भी दलित बिरादरियों के छोटे छोटे संगठन बने हैं वे भाजपा ने वोट बांटने करने वालों को ही लाने हैं। भाजपा उम्मीदवार को चुनाव में लोग इतनी बुरी तरह हराए कि यह व्यक्ति भविष्य में उनके आगे कभी चुनाव लड़ने की हिम्मत न जुटा पाए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि वह खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह हमारे सामाजिक न्याय के गठबंधन को महामिलावटी बता रहे हैं, जबकि जाति के हिसाब से महामिलावटी तो खुद प्रधानमंत्री मोदी हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।